दोस्तों, ऋषि कृष्ण मैगजीन का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सब बात करने वाला हूँ मोटो की G5 प्लस और रेडमी के नोट 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके डिजाइन और लुक्स के बारे में। सो दोनों के अंदर ही आपको फुल मेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है। दोनों तरफ ऊपर प्लास्टिक, इधर नीचे प्लास्टिक है। पीछे कैमरा, यहाँ पे स्कैनर आपको आगे की तरफ मिलता है और यहाँ पे पीछे की तरफ मिलता है। सो वैसे दोनों की बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। तो अगर आपको इस बारे में देखना है तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। सो इनमें दोनों ही विनर साबित हो सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में। अगर मैं बात करूँ प्राइस और अवेलेबिलिटी की, सो आपको रेडमी नोट 4 का 3 GB वाला वेरियंट मिलता है 11,000 में। वहीं आपको मोटो G5 प्लस का जो आपको 3 GB वेरियंट है वो मिलता है 15,000 में। आपको मोटो G5 फ्लिपकार्ट से मिल जाता है, वही रेडमी नोट 4 भी आपको फ्लिपकार्ट से ही मिलता है। दोनों के बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो वहाँ से ज़रूर से आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंट है, पर मोटो G5 आपको काफ़ी सारे अच्छा पैकेज देता है। और ऑब्वियसली सर्विस सेंटर आपको शाओमी के नहीं मिलते, वहीं आपको मोटो G5 के अंदर बहुत अच्छी सर्विस मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्ले की। दोनों फोन के अंदर आपको 1080 का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, पर Redmi Note 4 के अंदर आपको 5.5 इंच की स्क्रीन मिलती है। वही Moto G5 के अंदर आपको 5.2 इंच की स्क्रीन मिलती है। सो अगर हम पिक्सल्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है Redmi Note 4 के पिक्सल ज़्यादा फेड होंगे क्योंकि बड़ी स्क्रीन है। वहीं छोटी इंच के अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले का मतलब हमको देखने को मिलेगा कि Moto G5 के अंदर डिस्प्ले इतने फेड नहीं हो रहे। अगर हम स्क्रीन की बात करें, दोनों की स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है, पर मुझे लग रहा है कि Moto G5 के कलर थोड़े ज़्यादा नेचुरल आ रहे हैं। मोटो जी 5 के कलर ज़्यादा अच्छे नेचुरल वाले रेडमी नोट 4 से। तो आई थिंक स्क्रीन के मामले में मोटो G5 की स्क्रीन रेडमी नोट 4 से बेटर है। अगली हम बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर के एक्यूरेनेस की। अगर देखिए मोटो G4 की, सो यहाँ मैंने टच किया और स्क्रीन खुल गई है, वापस मैंने बंद किया और फिर मैंने टच किया तो स्क्रीन खुल गई है। अगर हम मोटो G5 प्लस की बात करें, सो यहाँ भी जब मैंने हाथ लगाया स्क्रीन खुल जाती है। सो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दोनों के काफ़ी टच रिस्पॉन्सिव है, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर के मामले में भी आपको दोनों फोनों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम बात करें कैमरास की, तो यहाँ आपको मिलता है 13 MP का कैमरा, वहीं आपको मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ। वहीं मोटो G5 में आपको मिलता है 13 MP का कैमरा, 1.7 अपर्चर विद ड्यूल टोन LED फ्लैश। सो अगर हम कैमरा, मुझे नहीं लगता कंपैरिजन करने की जरूरत है। मोटो G5 का कैमरा रेडमी नोट 4 कैमरे से बहुत ज़्यादा बेटर है, हम बहुत सारी जगह देख चुके हैं। सो कैमरा मुझे ज़रूरत नहीं है इसका कंपेयर करने की, मोटो G5 का कैमरा बहुत अच्छा है। बात करूं इन बॉडी की रिजिडिटी की, तो अगर मैं मोटो G5 प्लस को अगर मैं पूरी ताकत से अगर बेंड करने की कोशिश करूं, सो बिल्कुल भी इसके अंदर फोल्डिंग नहीं आती। बहुत अच्छी डिजाइन के साथ बना हुआ है मोटो G4 का, बिल्कुल भी हमको बेंड देखने को नहीं मिलता। देखिए मैं वो दिखाऊं, मेरे पूरा लाल हो चुके हैं, मेरे पूरा अच्छे से प्रेशर लगाया है। अगर मैं रेडमी नोट 4 के बेंड टेस्ट की बात करूं, सो इसको भी मैं पूरी अगर जान लगा देता हूं, फिर भी बिल्कुल भी बेंड नहीं है। तो बहुत अच्छे मटेरियल का दोनों फोन बनाए गए हैं। सो आपको रिजिडिटी के मामले में दोनों फोन बहुत अच्छे प्राइस मटेरियल का मिलते हैं। सो ये फोन की दोनों की अच्छी रिजिडिटी है। अगर मैं वीडियो को कंक्लूड इस तरह से कर सकता हूँ कि अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए फोन चाहिए, आपको कैमरा और सर्विस सेंटर से कोई मतलब नहीं है, सो आप रेडमी का नोट 4 ले सकते हैं क्योंकि इधर आपको प्रोसेसर सेम मोटो G5 प्लस वाला मिलेगा, आपको सस्ती रेंज का मिल जाता है। वहीं अगर आपको कैमरा अच्छी चाहिए, एक ब्रांड नेम चाहिए और अच्छी सर्विस चाहिए आगे भी, तो आप मोटो G5 प्लस ले सकते हैं। आपको जरूर 2,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, 2 से 3,000 रुपये ज़्यादा पड़ेंगे, पर आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छे कैमराज मिलेंगे, ज़्यादा अपडेट्स मिलेगी और भी काफ़ी चीज़ें मोटो G5 मिलेगी। सो मुझे उम्मीद है आपको कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, और मोटो G5 प्लस की वीडियोज़ आने वाली हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड हमारे चैनल पर। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।